मैं मनोज यादव का भी रुख कर लेती हूँ, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? आपकी तरफ से पहलवानों के समर्थन में ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं, बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन बयानों में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम कहीं नहीं है। क्या स्टैंड क्या ले रही है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल सही कहा आपने कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम समाजवादी पार्टी नहीं ले रही है, और हम नाम इसलिए भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का जिस दिन बयान आया, उसने कहा कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष मुझसे कहेंगे, मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। मैं बड़ी देर से इस चर्चा को सुन रहा हूँ, राजीव जी अपना विश्लेषण कर रहे हैं, मुझे आपने सबसे लास्ट में जोड़ा, नहीं मैं डिबेट को किसी दूसरे एंगल में अब तक लेके चला जाता। क्यों क्यों सवाल ब्रजभूषण से किया जा रहा है? क्यों इस डिबेट में बार बार ब्रजभूषण शरण का नाम लिया जा रहा है? क्यों मोदी का नाम नहीं लिया जा रहा है? क्यों गृह मंत्री और क्यों नड्डा का नाम नहीं लिया जा रहा है? यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी डिबेट हो गई 35 मिनट की, प्रधानमंत्री जी का नाम तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब एक अभियुक्त ने खुद कह दिया कि जिस दिन मोदी जी चाहेंगे उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा, जिस दिन मोदी जी चाहेंगे मैं जेल चला जाऊंगा, जिस दिन दिल्ली पुलिस का एक भी सिपाही मेरे पास आ जाएगा मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पे क्यों डिबेट की जा रही है? डिबेट होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के नाम पे, डिबेट होनी चाहिए गृह मंत्री के नाम पे, और डिबेट होनी चाहिए नड्डा के नाम पे। आप लोगों ने डिबेट को ब्रजभूषण शरण सिंह पे केंद्रित रखा। आज जिस तरीके से हमारी बहने बैठी है, उनके न्याय के लिए हंसी मजाक को बच्चा ही कही जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ के टीवी चैनल पे अपने घर का उदाहरण देने की बात कर रहे हैं। इस देश में एक नहीं अनेकों ऐसी बार घटनाएं घटित हुई हैं कि देश, पार्टियां सब एकजुट हुए हैं, सारे बंधन टूट गए हैं, बीजेपी के लोगों को अंदर कोई लेकिन लेकिन कोई मनोज जी, क्या समाजवादी पार्टी का ये विरोध उनके बयानों तक, उनके ट्वीट तक ही रहेगा? वैसे अगर कोई मुद्दा होता है तो आप जमकर, बतौर आप यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, इस मुद्दे को आप बखूबी बहुत अच्छे से उतार सकते हैं। हर मुद्दे पर हमने आपको सड़कों पर भी उतरा हुआ देखा है, लेकिन इस मुद्दे पर तो आप सिर्फ ट्वीट और बयानों तक ही रह गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एलिगेशन लगाना निश्चय ही दिल्ली में है, और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मेरठ से चला था बहनों के पास जाने के लिए। क्या उनको गिरफ्तारी उनकी नहीं की गई? हमारे विधायक अब्दुल प्रधान पूरे डेलीगेशन के साथ जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्या? आप लोग एक एंगल को मत देखिए पूजा जी, आप ये बड़ा षड्यंत्र है, ये ऐसी सरकार है जो अपने आप को बेदाग दिखाना चाहती है, लेकिन जब प्रकृति की मार होती है, जब प्रकृति आपसे सवाल पूछती है, तो कोई सरकार नहीं बच सकती है कि आप कितने बेदाग हैं, आपके चरित्र पे कितने दाग लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं। आज सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी की अंतरात्मा क्यों नहीं धिक्कारती है, प्रधानमंत्री पद पे बैठ के उनकी आत्मा को क्यों नहीं ठेस पहुंचती कि दिल्ली में ही उन लड़कियों को जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचाई, जिनको कहा विनेश फोगाट को कहा कि ये तो मेरे घर की बच्ची है, क्या नरेंद्र मोदी की घर की बच्ची के साथ तार तार वाली स्थिति हो जाए और नरेंद्र मोदी के दिल में एक सिकन तक ना आए, जहन में एक बात तक ना आए? यही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर एक बात, ये बात पुनः आपके चैनल पे दोहराऊंगा, ब्रजभूषण शरण सिंह की कोई गलती नहीं। कल से डिबेट अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे शुरू करिए, परसों गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी, परसों ही गिरफ्तारी हो जाएगी और ब्रजभूषण शरण सिंह जेल चला जाएगा। लेकिन अब ये तो दुर्भाग्य है, आपका चैनल तो इस पर डिबेट करा रहा है, आपको धन्यवाद। ऐसे चैनल है जो वो तो यूक्रेन और रूस के अलावा कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं, और वो घटना करना चाहते हैं जो घटना से सरोकार नहीं आम जनता का, उस पर डिबेट कराते हैं 24 घंटे, विपक्ष को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछते। यही सारी चीजें आज सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बनी हुई है पूजा जी। और मैं एक ही बात, ये अंत में अपनी बात कहूंगा कि बीजेपी के लोगों ने अपने चरित्र को उजागर किया और कह दिया कि देख लो कि अगर हमारे किसी व्यक्ति पे कोई बात बनेगी तो हमको कितना भी कह लो, हम बेशर्मों की तरह अनसुना करेंगे हर उस बात को जो विपक्ष और जो प्रताड़ित लोग हैं वो कहेंगे। ठीक है, ठीक है आलोक जी, क्योंकि अब तो खाप पंचायतें इस पूरे मुद्दे पर पहलवानों के साथ आ चुकी है, यूपी, हरियाणा, हो सकता है राजस्थान में भी आने वाले वक्त में चुनाव, आने वाले वक्त में वहां पंचायत हो, तो क्या लग रहा है कि ये खाप पंचायत यानी किसानों की अगर नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई तो उसे झेलने के लिए क्या बीजेपी तैयार है? चुनाव नजदीक है, अंत में इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव है, अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव। देखिए पूजा जी, समाज में इस तरीके की कोई हरकत होती है और वो इस उसका आंदोलन का रूप इस तरीके के लेता है कि दूसरे दूसरे लोग भी इसमें कूद पड़े, तो निश्चित तौर से इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव।
लेकिन जैसे ही वहां का डिविएशन आ जाएगा पुलिस का एफआईआर में और उस पर त्वरित कार्रवाई हो जाएगी तो ये चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। क्योंकि ये लोग चाहते हैं अलोकतांत्रिक ढंग से, अभी मैं मनोज यादव जी को सुन रहा था, मेरे दोस्त ने हर बात कही लेकिन ब्रजभूषण सिंह से कतराते हुए उस चीज को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर डाल दिया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इसमें क्या रोल है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन इनके नेता अखिलेश यादव भी बचते रहे हैं, अरे आपको दिल्ली आने से रोक दिया गया था, लखनऊ में प्रदर्शन करने से आपको कौन रोक रहा था? बातें कथनी और करनी में अंतर मत कीजिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इसमें क्या दोष है और गृह मंत्री का क्या दोष है जो आप उनको लपेट रहे हैं? मैं मानता हूं उनके साथ न्याय होना चाहिए और शीघ्र न्याय होना चाहिए। मैं यही अपील करूंगा कि पुलिस इस पर चुप्पी, लंबा मामला है, इसमें कलियां जोड़नी पड़ रही है, उसमें टाइम लग रहा है, अन्यथा अगर प्राइमा फेसाई मामला होता तो अब तक इसका रिपोर्ट आ चुका होता। ये बहुत लंबा मामला है, इसमें बहुत लंबी कड़ियां जोड़ने की कवायद हो रही है। बिल्कुल, कड़ियां जोड़ने की कोशिश यहाँ की जा रही है, लोकतांत्रिक ढंग से इस मामले को सुलटाया जा रहा है, इसमें कार्रवाई की जा रही है, ये जो है तमाम बातें इस चर्चा में सामने आई है। लेकिन सवाल वही है, अब ऐसे में खाप पंचायतें जो कि लगातार इस मामले को लेकर पहलवानों के समर्थन में खड़ी हैं, महापंचायत की जा रही हैं एक गांव से दूसरे गांव, अब कितना इंसाफ दिलाने में पहलवानों को वो कामयाब होती है, ये बड़ा सवाल। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही, ब्रेकिंग विद एजेंडा में कल फिर हाजिर होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।